तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक गेमिंग पीसी बिल्ड। और इस बार जो बिल्ड है हमारा, इसका बजट है 1,10,000 का। हालांकि इसके अंदर भी तैयार हो जाएगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 1,10,000 का बिल्ड है। और ये बिल्ड उनके लिए, मतलब जो जिनका बजट इतना है, जो चाहते हैं कि इतने बजट में एक ऐसा पीसी तैयार हो कि पूरा पैसा वसूल हो जाए, तो ये जो बिल्ड है ये उन्हीं के लिए है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी पार्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको ये लेना है और ये लेना है, क्योंकि मैं बना के तो दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत कॉस्टली है, और अगर सस्ता होता तो भी शायद मैं ना दिखा पाता। तो जितने भी पार्ट्स मैं आप सजेस्ट करूँ, जितने भी कॉम्पोनेंट्स, वो सबके बारे में आपको जो है दूसरी ट्रस्टवर्थी साइट्स पर भी चेक करना है, यानी प्राइस कंपेयर करना है। और ऑफलाइन मार्केट में भी आपको सबके बारे में पता करना पड़ेगा कि सस्ते मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो कितने सस्ते मिल रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि ऑफलाइन मार्केट में सस्ता मिल जाएगा आपको। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जिनका बजट जो है इतना ज़्यादा है, उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत क्यों है, वो तो यार आराम से खरीद लेंगे। ये परेशान तो हम लोग होते हैं जिनका बजट 30,000-40,000 होता है, दौड़ भाग करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह देखते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि यार कोई भी आदमी पैसा लगाए तो उसका पैसा बर्बाद ना हो, चाहे वो 20,000 लगाए या 1,00,000 रुपये लगाए, है कि नहीं। किसी का मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग 1,00,000 रुपये लगा रहे उनको दिक्कत नहीं होती है। अब कोई आदमी अगर 80,000 रुपये लेके बाइक ख़रीदने जाता है, उसे अगर 90,000 की बाइक पसंद आ जाती है तो उसे भी बड़ी दिक्कत हो जाती है 90,000 की बाइक ख़रीदने में। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये तुरंत जेब से निकल आते हैं। और अगर 70,000 की बाइक अगर 80,000 में मिल रही है तो उसको ख़रीदना तो बेवकूफ़ी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो 40,000 की बिल्ड कर रहा हो या 1,00,000 रुपये की बिल्ड कर रहा हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने कंपोनेंट्स की तरफ, अमेज़ॉन कार्ट की तरफ। और यहाँ सबसे पहले आया है कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स लाइट 5 RGB CPU केस, 6,000 रुपये के मतलब अंदर मिल रहा है यहाँ पे 5,950 का। लेकिन आप कोई भी केस ले सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, केस मैं कभी रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। हाँ, ये है थोड़ा बहुत एयर फ्लो वगैरह का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम पावर सप्लाई के बारे में। तो देखिए, पावर सप्लाई मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 650 वॉट की। और ये जो पावर सप्लाई है, ये है 7100 की पावर सप्लाई है, सी सोनिक की S12II। अब मुझे नहीं पता इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, S12 सेकेंड बोलते हैं, S12II बोलते हैं, या S12II बोलते हैं। बट ये पावर सप्लाई जो है बहुत बढ़िया है। और ये आपको नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप कोर्सेयर की TX सीरीज़ ले सकते हैं, TX650M। हालांकि ये अमेज़ॉन पर काफ़ी महंगी है, लेकिन कहीं और रेट वगैरह पता कर सकते हैं। इसको छोड़ के अगर कोई और भी ले रहे हैं तो पावर सप्लाई जो है स्टेबल हो, मैं आपको बता दूं VS की जो 650 आती है कोर्सेयर की VS सीरीज़ की, देखिए यहाँ रेट दिखा भी रहा है, 4,270 रुपये इधर राइट साइड में। तो ये क्या है कि ये जो है ड्यूरेबल नहीं है, ये पावर सप्लाई ख़राब हो सकती है। इसकी जगह अगर आप 750 यूज़ करेंगे तो भी वो ख़राब हो सकती है। तो हमको चाहिए एक ड्यूरेबल, एक स्टेबल पावर सप्लाई। तो उसमें मैं ये सी सोनिक प्रेफर करूँगा, कोर्सेयर की TX सीरीज़ प्रेफर करूँगा। कूलर मास्टर की एक V सीरीज़ भी आती है, लेकिन वो बहुत महंगी है, 10,000 की है, तो वो अमेज़ॉन पर महंगी है। बाकी आप कहीं और से अगर आपको सस्ती मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं अपने प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हम यहाँ पे ले रहे हैं Ryzen 5 का 2600X, और इसके संग आता है रेथ स्पायर कूलर। और स्टॉक कूलर इतना बढ़िया है कि कुछ पूछे ना, इंटेल के स्टॉक कूलर से तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो है हमें एक एक्स्ट्रा कूलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफिक कार्ड के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ी मतलब ज़्यादा डिटेल में बात करनी है। आप प्राइस देख सकते हैं 50,000। तो पहले हम बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि AM4 सॉकेट में, जिसमें राइजन फिट होता है, चार तरीके के चिपसेट वाले मदरबोर्ड आते हैं। एक आता 8320, एक आता B350, एक आता X370 और एक आता X470। B320 कह रहा हूँ, A320 बिल्कुल बेसिक बोर्ड है, बिल्कुल बेसिक है। उसमें ओवरक्लॉकिंग का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, जैसे साधारण मदरबोर्ड होते हैं वैसे ही है, बस ये राइजन फिट हो जाता है उसमें, तो हम उसकी तरफ तो देखेंगे नहीं। बचता है B350, X370 और X470।
B35 को अगर हम X370 से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है कि B350 में भी ओवरक्लॉक हो जाता है, X370 में भी ओवरक्लॉक हो जाता है, B350 में भी आपको जो है क्रॉस फायर और SLI देखने को मिल जाता है सपोर्ट, और X370 में भी मिल जाता है। लेकिन क्या है कि X370 जो है वो B350 से महंगे मदरबोर्ड हैं और वो प्रीमियम मदरबोर्ड हैं, B350 जो है वो बजट मदरबोर्ड है। हालांकि अमेज़ॉन पे ऐसा कुछ नहीं है, अमेज़ॉन पे तो B350 के रेट इतने हाई कर रखे हैं कि X370 में और उसमें कोई अंतर ही नहीं पता चलता है। लेकिन बात यह है कि B350 जो है वो बजट मदरबोर्ड है, तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ सेम है, लगभग आइडेंटिकल है, तो हम X370 को प्रेफर क्यों करें B350 के ऊपर। हालांकि यहाँ पे मैंने X470 लिया है, वो आपको बाद में बताऊँगा क्यों लिया है, लेकिन अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि B350 का जो VRM सेक्शन है, मतलब कि है तो ड्यूरेबल, सब कुछ बढ़िया ड्यूरेबल है, लेकिन जो है X370 के मुकाबले उतना ड्यूरेबल नहीं होता है। और X370 जो है वो 12 फेस पावर देता है जबकि वो 9 फेस पावर देता है। और X370 के जो कैपेसिटर्स हैं वो जो हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कैपेसिटर्स हैं, और B350 में जो हैं वो मतलब स्टैंडर्ड कैपेसिटर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन B350 में मदरबोर्ड दे नहीं सकता है, आप किसी अच्छे ब्रांड का मदरबोर्ड खरीदेंगे B350 का तो हो सकता है उसमें आपको मिल जाए, लेकिन कंपनी देती नहीं है क्योंकि B350 जो है वो एक बजट वाला मदरबोर्ड है, यानी कि जो चिपसेट है वो एक बजट मदरबोर्ड के लिए बनाया गया है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए दोनों में SLI क्रॉस वायर वगैरह का सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन B350 में क्या है कि पहला ग्राफिक कार्ड जो है वो 16 लेन पे चलता है और डायरेक्ट प्रोसेसर से कनेक्ट हो जाता है, और दूसरा ग्राफिक कार्ड जो है वो 4 लेन्स पे चलता है और कनेक्ट होता है पहले चिपसेट से फिर प्रोसेसर से। तो क्या कि परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने को मिलती ही नहीं है, बल्कि X370 चिपसेट में क्या होता है कि 8 लेन्स पे दोनों ग्राफिक्स कार्ड चलते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं प्रोसेसर से, तो यहाँ पे क्या होता है कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिल जाती है। वहीं पे जो है साटा लेंस वगैरह का डिफरेंस रहता है और USB पोर्ट की बैंडविड्थ का डिफरेंस रहता है, जो लेटेस्ट जो USB पोर्ट है लेटेस्ट जनरेशन वाला। बाकी फंक्शंस क्या कहते हैं, डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं B350 में और X370 में, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ही गिना दिया, और ड्यूरेबिलिटी का भी थोड़ा अंतर रहता है। अब मैंने X470 क्यों चूज़ किया, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि A320 यानी A320, B350 और X370 ये आए थे पहले वाले राइजन के संग, जो पहले जो राइजन रिलीज़ हुआ था। अब क्या है कि ये जो है इस नए वाले राइजन को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक इनका बायोस अपडेट ना हो जाए, यानी कि अगर इन मदरबोर्ड्स का बायोस अपडेट हो जाएगा तब तो ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। इनको समझ ही में नहीं आएगा कि इनके अंदर क्या लगा दिया, अगर हम एक नया राइजन लगा दें इनके अंदर। तो मान लीजिए आपने ख़रीद लिया X370 ऑनलाइन, उसका बायोस अपडेट नहीं है, और आपने ख़रीद लिया राइजन 5 2600X, तो जब आप PC को टर्न ऑन करेंगे अपना PC बिल्ड करके तो स्क्रीन ब्लैंक आएगी। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको पहले पुराना राइजन ख़रीदना पड़ेगा, उसको अपने PC में लगाना पड़ेगा, PC ऑन करना पड़ेगा, बायोस अपडेट करना पड़ेगा, फिर अपना नया वाला जो ये वाला राइजन है वो लगाना पड़ेगा बदल के। या तो आपके किसी दोस्त के पास पुराना राइजन हो, पहला वाला राइजन, या आपके आसपास जो है सर्विस सेंटर हो मदरबोर्ड का जहाँ पे आप जो है अपडेट करा पाएँ, या कोई ऐसी शॉप हो जहाँ पे ये काम हो जाए, तो इसमें क्या होगा आपको दिक्कतें बहुत आ जाएंगी, आपका PC टर्न ऑन नहीं होगा और आप भी परेशान हो जाएंगे। X470 मदरबोर्ड जो है वो इस राइजन के संग ही आया, यानी कि जब ये राइजन रिलीज़ हुआ नया वाला जो 2000 सीरीज़ वाले जो राइजन है इसके संग रिलीज़ हो गया X470। अब X470 और X370 दोनों ही प्रीमियम मदरबोर्ड हैं, दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है मेमोरी सपोर्ट का हल्का फुल्का जो है। राइजन ये जो X470 चिपसेट वाले मदरबोर्ड हैं ये थोड़े से बेटर हैं मेमोरी सपोर्ट में, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, बस 19-20 का अंतर है। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि मैंने X470 क्यों लिया है, क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं चल रहा है कि X370 का बायोस अपडेट है या अपडेटेड नहीं है, आप ऑर्डर कर दें और दिक्कत हो जाए तो दिक्कत में फंसने से फ़ायदा नहीं है,
और B350 और A320 की तरफ तो हमको देखना भी नहीं है, क्योंकि B350 मदरबोर्ड तो अच्छा है, लेकिन जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम चाहेंगे फ्यूचर प्रूफ हो हमारा पीसी, तो हम यहाँ पे एक बढ़िया मतलब फीचर वाला मदरबोर्ड लेंगे। अब X470 में मदरबोर्ड कौन सा लें, तो मदरबोर्ड तो बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे जो है ये मदरबोर्ड मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ख़रीद लें आप। यहाँ पे एक मदरबोर्ड तो मुझे ये पसंद आया था, ये MSI का X470 गेमिंग प्रो, लेकिन ये MD कंप्यूटर्स पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हालांकि स्टॉक दोबारा आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,499 का है ये मदरबोर्ड, और ये वाला मदरबोर्ड जो है मुझे पसंद आ गया, आसुस का TUF X470+ गेमिंग Ryzen 2 वाला मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ मिलिट्री ग्रेड मदरबोर्ड है, और देखने से भी काफ़ी ये प्रीमियम लग रहा है। हालांकि प्रीमियम तो सारे हैं, लेकिन ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट इसका जो प्राइस है वो 18,000 के काफ़ी पास आ जाता है, आप देख सकते हैं 17,898, बिल्कुल 18,000 टच करने लगता है। अब मुझे नहीं पता कि ये वाकई में इतने का है या अमेज़ोन वाले जो है हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने से मेरा मतलब है, हो सकता है ये मदरबोर्ड जो है 12,000 या 13,000 का आता हो और हमें जो है यहाँ पे मिल रहा है इतना महंगा। अब मुझे इसके रेट के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, अगर ये 16,000 का आता हो तब तो महंगा तो तब भी है, लेकिन तब इतना महंगा नहीं है ये, तब ये है कि अगर कहीं मिल नहीं रहा तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर 13,000 का या 14,000 का ये आता है तब क्या है, तब तो इतना पैसा इसके ऊपर खर्च करना एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। हालांकि यहाँ पे भी सारे मदरबोर्ड आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। गीगाबाइट का जो X470 मदरबोर्ड है ये आप देख सकते हैं 12,500 का, ये भी बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है, और MSI का भी बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है ये वाला। अब आप ये देखिए कि एसुस वाले जो मदरबोर्ड है ये वाला, इसमें जो है खाली आपको दो PCI एक्सप्रेस स्लॉट दिख रहे हैं 16 लेन वाले, बाकी सब जो है वो छोटे वाले PCI एक्सप्रेस हैं। यहाँ पे जो है तीन दिए गए हैं, लेकिन तीन का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो है आप SLI पे दो ही चलाएंगे, तीन चलाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी भी नहीं, तब तक तीन काम नहीं आते जब तक आपको 8K पे गेमिंग ना करनी हो, 8K 4K के ऊपर जाना हो तब ये तीन काम आते हैं, अदरवाइज़ तीन काम नहीं आते। तो यहाँ पे क्या है कि आप चाहें तो ये ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे डाउट है कि अमेज़ोन पे बड़ा महंगा मिल रहा है। बाकी मैं ये कहूँगा कोई भी X470 मदरबोर्ड ले सकते हैं, एसुस में दूसरा कोई ले सकते हैं, MSI में ले सकते हैं, गीगाबाइट में ले सकते हैं, ASRock में ले सकते हैं आप X470 मदरबोर्ड। तो X470 चिपसेट होना चाहिए, बाकी जो है मदरबोर्ड आप ले सकते हैं, सब बढ़िया ही निकलेंगे मदरबोर्ड। इतना पैसा जब आप मदरबोर्ड पे खर्च कर रहे हैं तो आपको ख़राब मदरबोर्ड तो मिलना नहीं है। हाँ ये रहता फंक्शन में 19-20 का अंतर हो जाएगा कुछ मदरबोर्ड, अब मतलब मदरबोर्ड कंपनियां जब अलग अलग हो जाती हैं तो वो अपने हिसाब से फंक्शन कम ज़्यादा तो देती ही देती हैं। तो अगर ये आपको कहीं पे मिलता है, या आप इसका एक बार रेट पता कर लीजिए, अगर रेट इसका जो है मुझे तो कहीं से पता नहीं चल पाया है फ़िलहाल, लेकिन अगर रेट इसका इतना ही है अगर, या इससे थोड़ा कम है, 16,000 का या 15,000 का है, तब तो अमेज़ोन से ख़रीदना ठीक ही रहेगा। अगर 2,000 का नुकसान भी होता है तो मैं ये मानता हूँ बढ़िया बोर्ड मिल जाएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, अदरवाइज़ आप जो है ऑफलाइन पता करिए या यहाँ पे स्टॉक आने का इंतज़ार कीजिए। तो चलते हैं फिर से अपनी कार्ड के ऊपर, कार्ड कहाँ गई, हाँ ये रही। रैम के बारे में मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको 7,500 की जी स्केल की जो 3,000 MHz की फ्रीक्वेंसी वाली रैम है वो अगर मिल जाती है 8,000 के अंदर, तो आप वो ले लीजिए, इसको ना लीजिए। यहाँ पे ये रैम तो मैंने ऐसे ही डाल दी, क्योंकि यहाँ पे जो है जी स्केल की रैम 10,000 के ऊपर जा रही थी, तो कार्ट में जो है रेट मुझे देखने के लिए कि रैम लगा के कितना रेट हो रहा है, मैंने ये एक हाइपर एक्स फ्यूरी डाल दी। आप हाइपर एक्स फ्यूरी भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2400 MHz की है, और हमने जो बोर्ड लिया है वो प्रीमियम मदरबोर्ड है, वो सपोर्ट कर सकता है 34 यानी कि 3466 MHz तक वो सपोर्ट कर सकता है। मतलब अभी तो हम ये वाला मदरबोर्ड तो कर सकता है, और अगर आप कोई दूसरा लेंगे तो हो सकता है उसमें 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा कुछ हो, तो भी जो है 3000 तक की फ्रीक्वेंसी वाली रैम लेना सही होगा अगर अच्छे रेट पे मिल जाती है तो। बाकी जो है हार्ड डिस्क आप कोई भी ले लीजिए, 1 TB की
अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो यहाँ पे जो है मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप जो है इस बिल्ड को बना रहे हैं तो ये बिल्ड पूरी बना लें बट ग्राफिक्स कार्ड ना ख़रीदें। इसका रीज़न ये है कि अभी एनवीडिया के हो सकता है जुलाई में नए वाले ग्राफिक्स कार्ड नई सीरीज़ लॉन्च हो जाए और इस ग्राफिक्स कार्ड के रेट कभी भी गिर सकते हैं। यानी कि एक तो स्टॉक में बहुत सारे रखे हुए हैं क्योंकि बिके नहीं थे महंगे होने की वजह से, मतलब ख़रीदे तो थे लेकिन माइनिंग वालों ने ख़रीदे थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे माइनिंग में लोगों को लगने लगा कि इसमें फ़ायदा नहीं है, तो माइनिंग का जो क्रेज़ था वो कम हो गया। उसके बाद माइनिंग वाली मशीनें भी मतलब ऐसी आ गई, माइनर्स वगैरह आ गए जो मतलब पहले से बने बनाए थे, उसको लगा के लोग माइन करने लगे कि उसमें लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट लगा। ग्राफिक्स कार्ड वाली माइनिंग अब लोग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं अभी भी लेकिन कम हो गए। और फिर कुछ लोगों ने माइनिंग बंद भी कर दी अपनी, और कुछ लोग जो है माइनिंग वगैरह स्टार्ट करके जो है उन्होंने अपने कंपोनेंट्स तक बेच दिए। तो ऐसे लोग भी हैं और इस वजह से क्या है कि ग्राफिक्स कार्ड के रेट अब हो सकता है दोबारा कम हो जाएं और कभी भी कम हो सकते हैं। हो सकता है ये जो 50,000 में मिल रहा है, हालांकि यहाँ 47,000 कुछ का है ये, लेकिन हम 50,000 इसको मान लेते हैं, तो ये जो है ये कभी भी 35 का हो सकता है, 35-36,000 या इससे कम भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपने ये इतने पैसे दे के ये ख़रीद लिया और ख़रीदने के आपके घर आने के बाद ही जो है ये 35,000 का हो गया, तो आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बाकी सब चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर पड़ेगा, क्योंकि जो सेलर ग्राफिक्स कार्ड बेच रहे हैं अगर उनका कुछ लॉस होता सस्ते में बेचने पर, तो हो सकता है कि वो दूसरी चीज़ों से अपना प्रॉफिट कमाएं, तो वो रैम वगैरह के रेट तो जो है कम करेंगे नहीं जो ऑनलाइन सेलर हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पावर सप्लाई वगैरह तो आगे भी इतने की मिलती रहेगी, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड ये है कि इस बिल्ड के संग ये वाला ग्राफिक्स कार्ड ना लेना ही सही होगा, मतलब अभी ना लेना सही होगा, क्या पता कब रेट गिर जाए इसके। और अगर ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 35,000 में मिल जाता है, यानी कि ये वीडियो आप फ्यूचर में देख रहे हैं जब इसके रेट गिर गए हैं, तब तो ये जो आप यहाँ पे टोटल जो आप प्राइस देख रहे हैं इससे बहुत कम में बन जाएगा, ये लाख रुपए के अंदर ही बन जाएगा। तो एक बार फिर से सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो है राइजन का राइजन 5 2600X, मदरबोर्ड हमको चाहिए X470 वाला, कोई भी मदरबोर्ड हो बढ़िया हो X470। उसके बाद एक बढ़िया पावर सप्लाई यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा सी सोनिक का S1 2II 620 वोल्ट की पावर सप्लाई, और ये नहीं मिलती है तो कोर्सियर की TX650M। उसके बाद आप जो है DDR4 रैम ले लीजिए 3000 MHz की फ्रीक्वेंसी वाली, कोई भी रैम जी स्किल या ये डाटा की कोई भी ले लीजिए। नहीं मिलती है कोई, अगर यही मिल रही तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्ड डिस्क कोई भी ले लीजिए, और अगर आपको ये बिल्ड सस्ते में पड़ जाती है तो आप SSD भी ले सकते हैं, SSD के लिए पैसे बच जाएंगे आपके पास। यहाँ पे तो हर चीज़ काफ़ी कॉस्टली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1,10,000 के भी ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आपको हर चीज़ सही रेट पे मिलेगी तो आपके पास SSD लेने के लिए भी पैसे बच जाएंगे। और SSD लगा के क्या होगा कि आपका जो PC है वो और तेज़ चलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।